नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाव स्वदेश के बेहद खास कार्यक्रम कल की तैयारी में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। तो मार्केट पर हमारी ये खास पेशकश जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम आपको देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, यानी आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, और साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की आपकी तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ते हैं, दर्शकों के सवाल होते हैं और इन सवालों के एक्सपर्ट देते हैं भरोसेमंद जवाब, भरोसेमंद सलाह। तो आज के शो में क्या है खास, जरा उस पर फटाफट से नजर डाल लेते हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे कि आखिर टायर शेयरों में रफ्तार क्यों है। जी हाँ, इसके अलावा रेलवे शेयरों के लिए क्या है ट्रिगर्स, और हमेशा की तरह कल के दमदार ट्रेडिंग आइडियाज तो होंगे ही, और भी होगा बहुत कुछ। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे, उससे पहले आपको बता दें आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे आपकी कल की तैयारी कराने के लिए। विपुल कांकरिया होंगे सीनियर एनालिस्ट विघ्नहारा इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से, इसके अलावा विवेक करवा साहब होंगे वृद्धि इन्वेस्टमेंट से। दोनों खास मेहमान कराएंगे आपकी तैयारी। और शो में कैसे जुड़ना है वो जान लीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप अपना सवाल, अपने स्टॉक से जुड़े तमाम क्वेरीज आप भेज सकते हैं। अपना और अपने शेयर का नाम जिक्र करना मत भूलिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर #KKT यानी कल की तैयारी स्पेस अपना सवाल, अपना और अपने शेयर का नाम लिखिए और हम आपके सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे। और शो की शुरुआत बाजार की खबर के साथ। उतार चढ़ाव से भरे, एक्शन भरे बाजार ने आखिरी घंटे में शानदार रिकवरी की। निफ्टी करीब 74 अंकों की तेजी के साथ 18,400 को पार कर गया। आज निफ्टी 52 हफ्ते की ऊंचाई पर बंद हुआ। इसके साथ ही बैंक निफ्टी ने भी नया हाई बनाया। बाजार में हुए पूरे एक्शन की ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। आज मार्केट का दिन का देखें तो ट्रेड काफी बेहतर रहा। आज देखिए मार्केट ने सपोर्ट्स पक्के किए, 18,000 से 18,200 वाला जो इसने सपोर्ट एरिया है उसको पक्का कर लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मार्केट के अंदर ये थी कि आज एडवांस डिक्लाइन आपको बिल्कुल आमने सामने खड़े होते हुए दिखेंगे हजार। एक और पॉइंट, मार्केट ने बैंक निफ्टी के स्तरों पर अगर आप देखेंगे तो आज फिर से नया रिकॉर्ड बना बैंक निफ्टी का। ये 41,840 के बाद से लगातार 500-600 पॉइंट और तेजी बैंक निफ्टी में आ चुकी है। अपनी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं एडवांस डिक्लाइन आपने आमने सामने देखे हैं। अब आ जाते हैं बाजार के अंदर आज के टॉप गेनर्स कौन कौन से थे, कौन से ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है बाजार के अंदर। पहले आपको दिखाते हैं पावर ग्रिड ONGC। ONGC के नंबर्स के बाद का पॉजिटिव रिएक्शन था जो आज बाजार के अंदर काम आया। ICICI बैंक आज ये भी बाजार को हेल्प करता हुआ दिखा। डॉक्टर रेड्डीज में 2-3 दिन की उथल पुथल के बाद आज न केवल संभला बल्कि चला भी, उसने मार्केट की वेटेज को भी अपने ही वेटेज के हिसाब से थोड़ी हेल्प भी की है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प ये चलने वाले शेयर्स में से था। आज कोल इंडिया अच्छा टूटा, ये नंबर से पहले नंबर्स के बाद काफी अच्छा चला था लेकिन आज क्लियरली इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग है। शेयर 5% नीचे आया और ये एक्स डिविडेंड का भी कैंडिडेट था इसलिए आपको एडजस्टमेंट्स में इतना नीचे दिख रहा है ये 6%। अदरवाइज इसके अंदर हल्की प्रॉफिट बुकिंग लेकिन एडजस्टमेंट्स का इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा है। सिप्ला, HDFC लाइफ और ग्रासिम ये कुछ एक और शेयर्स थे जो आज लाल निशान में बंद हुए हैं। हालांकि ग्रासिम के बारे में जरूर यहां पे बताना चाहूंगा कि इसकी बेस काफी अच्छा बन चुका है, ये भले आज लाल निशान में बंद हुआ लेकिन आने वाले दिनों में एक्सपर्ट्स का व्यू ये है कि ये शेयर चल सकता है। आज साल का हाई निफ्टी के काउंटर्स में बनाने वाला कोई भी शेयर नहीं था। आ जाते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर, वहां पे देखेंगे रेल विकास निगम, हमने कल भी आपको नोटिस करवाया था ये शेयर बैक टू बैक काफी अच्छा चलता हुआ दिखा। NCC, गुजरात गैस ये कुछ एक ब्रेकआउट वाले शेयर्स थे जो आज काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट्स के अंदर दिखाते हुए दिखे। इंडाइसिस आज फर्स्ट हाफ में रेंज में रहा, सेकंड हाफ में निफ्टी बैंक निफ्टी चला, छोटे मझोला का इंडेक्स भी चला लेकिन ये शेयर्स का इंपैक्ट आपको सुबह से ही दिख रहा था। उसमें आप एथर इंडस्ट्रीज को जोड़ सकते हैं, आप लोधा को भी जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं जिसको मैक्रोटेक के नाम से जानते हैं। लूजर्स के आते हैं मिड कैप की श्रेणी में, कमजोर शेयर कौन से थे उसमें आप देखेंगे नायका के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, एस्टर DM आज प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ है। इसके अलावा यूफ्लेक्स और नौकरी ये दो ऐसे शेयर्स हैं जहां पे
आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। टिपिकली नौकरी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही सीवियर थी। आज अपोलो टायर्स ने अपने पोस्ट नंबर्स नया हाई टेस्ट किया, ये साल का हाई बनाने वाले शेयर्स की कैटेगरी में आ गया। मझगांव डॉक ने भी आज साल का नया हाई टेस्ट किया है। इसके अलावा इंडियन बैंक और सीजी पावर, ये कुछ एक वो शेयर्स थे जिन्होंने आज साल का हाई टेस्ट किया। कुल मिला के आज इंडाइसिस के तौर पर अच्छी क्लोजिंग मिली है। कुल मिला के आज शेयर्स के तौर पर थोड़ा लीडरशिप एब्सेंट थी, बट हाँ चर्निंग ज़रूर हुई है और आज मार्केट ने अपने बेस को पक्का किया जो कि 18,200 था। आज टेस्ट करने के लिए पहुंच तो रहा था लेकिन क्लोजिंग काफ़ी शानदार थी। अब कल देखते हैं मार्केट के अंदर क्या होता है, जिसमें यूएस मार्केट्स के फ्यूचर्स अभी तक तो पॉजिटिव में है। तो ये थे बाजार की पूरी डिटेल जो हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा आपको दे रहे थे। और चलिए मेहमानों की ओर रुख करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विपुल कांकरिया साहब हैं सीनियर एनालिस्ट विघ्नहारा इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से, और इसके साथ ही विवेक करवा साहब हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट से। विवेक जी और विपुल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले विवेक, मैं आपके पास आना चाहूँगा, मार्केट पर किस तरह से रणनीति बनाए, क्या क्या कुछ नज़र आ रहा है आपको? प्रशांत, देखिए मार्केट में मैं ओवरऑल बुलिश हूं और मुझे मुझे लगता है कि आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा इस मार्केट में, क्योंकि दो दो पॉइंट ऑफ व्यू है इधर। एक तो कुछ सेक्टर्स, कुछ सेगमेंट्स में काफी रैली हम लोग देख चुके हैं और मार्केट एक ओवरड्यू है छोटे मोटे करेक्शन के लिए। मतलब मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, लेकिन हाँ स्ट्रेट लाइन ऊपर जाना भी एक डेंजरस सिचुएशन होता है कभी भी मार्केट में। इसके लिए एक समझ लो 300 से लेके 500 का पॉइंट अगर कभी भी आ जाता है निफ्टी में, तो वो बहुत हेल्दी होगा मार्केट के लिए। तो अगर वो करेक्शन आता है तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो जहाँ पे अंडर वैल्यूएशन है थोड़ा बहुत होमवर्क करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, और अगर वैसे आप अगर स्ट्रेटेजी बनाते हो तो इस मार्केट में भी आप कमाओगे। और मुझे मुझे लगता है कि 19,000 से लेके 19,500 तक हम लोग न्यू ईयर तक देखना चाहिए, ये काफी पॉसिबिलिटी है। और ओवरऑल ऑन एवरी डिप बाइक की स्ट्रेटेजी ही रहेगी आप। तो किसी भी डिप पर खरीदारी की सलाह। और विपुल, आपके पास आना चाहेंगे, हमने देखा सेकंड हाफ में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों चले, आपकी क्या रणनीति होगी? मेरी भी रणनीति फिलहाल यही है कि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रहेगा। मार्केट एक डायरेक्शन नॉनस्टॉप रैली कर रहा है, टेक्निकल काउंटर्स भी फिलहाल ओवरहीटेड बता रहे हैं हमें, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह डेफिनेटली रहेगी, बट कॉशियस अप्रोच के साथ चलूंगा। अग्रेसिव पोजीशंस बनाने की सलाह तो फिलहाल नहीं दूंगा मैं। एक जो काउंटर है स्पेसिफिकली इंडेक्स की अगर हम बात करें निफ्टी में, तो जो निफ्टी ने यूएस इन्फ्लेशन डेटा के बाद में जो गैप बनाई थी वो एक गैप फिलिंग भी ड्यू है, बट जब तक वो लेवल्स नहीं टूटते 18,250 के, तो हम लोग एक कॉशियस अप्रोच के साथ ही बाय ऑन डिप्स की सलाह देंगे। बिल्कुल, तो अहम सलाह हमारे दोनों खास मेहमानों की ओर से आती हुई, आगे भी इनसे अलग अलग पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। जरा बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। तो टायर शेयर्स जो हैं वो आज जोरदार रफ्तार में रहे। बाला कृष्णा के शेयर में कमजोर नतीजों के बाद भी उछाल क्यों है? अपोलो टायर्स के लिए क्या है पॉजिटिव ट्रिगर्स, बता रही हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। जी बिल्कुल, देखिए आप नतीजों की बात कर रहे थे तो दोनों ही कंपनीज के जो नतीजे हैं एकदम विपरीत आते हुए दिखे हैं। किस टर्म्स में? क्योंकि बालकृष्ण के नतीजे काफ़ी कमज़ोर देखने को मिले, वहीं अपोलो टायर्स के जो तेज़ी देख रहे हैं वो केवल और केवल नतीजों के दम पे है। सबसे पहले बालकृष्ण के नतीजों पर आपका फोकस डालते हैं, जहाँ पर इनकी आय जो है साल दर साल 28% गिरती हुई दिखी है। मार्जिन में करीब 900 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन आया है और सिर्फ 16% पे मार्जिन इस बार आते हुए दिखे हैं। हालाँकि जो प्रॉफिट फिगर है वो लगभग सपाट रहा है साल दर साल, फिर भी इतने कमजोर नतीजों के बाद और साथ ही FY23 की जो वॉल्यूम गाइडेंस देती है हर क्वार्टर कंपनी, उसको भी उन्होंने इस बार रिवोक कर लिया है। कहना है कि यूरोप, जो कि इनके ओवरऑल रेवेन्यूज में 50% कंट्रीब्यूशन करता है, वहां पे काफी सारी दिक्कतें हैं, तो आगे के लिए आउटलुक क्लियरली उनको भी नहीं समझ आ रहा है। इन सब के बावजूद भी आप स्टॉक में तेजी देख रहे हैं, उसकी वजह है मैनेजमेंट की कॉमेंट्री, जहां पे एनालिस्ट कॉल में उनका कहना है कि वो अभी जो भी गाइडेंस दे रहे हैं वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव साइड पे जरूर है, क्योंकि वो इंडस्ट्री को आउटबीट करना चाहते हैं, आउट परफॉर्म करना चाहते हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से कच्चे माल की लागत में कमी आ रही है उसके इनके मार्जिन्स पे आने वाले समय में पॉजिटिव असर होते हुए दिखेगा, ऐसा मैनेजमेंट ने गाइड किया है। अब बात करते हैं हम अपोलो टायर्स की, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी दमदार हैं। यहाँ पर जो मार्जिनस हैं वो उनके साल दर साल मात्र 1% की गिरावट देखने को मिली है, और इसके बीच हमने देखा कच्चे तेल में किस तरीके से तेज़ी आ गई है, 13% पे लास्ट
लास्ट ईयर के मार्जिन से इस बार 12% पे आए हैं, पर नीचे अगर प्रॉफिट फिगर देखें तो 20 करोड़ से इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ ही नजर आया है 194 करोड़ पे। अभी तक कॉन कॉल तो नहीं हुई है, पर कंपनी का अगर हम पूरे टायर इंडस्ट्री स्पेशली वो कंपनीज जो कि भारतीय बाजारों पे फोकस करती है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है, रिप्लेसमेंट की डिमांड कैचअप करती हुई नजर आ रही है। तो उम्मीद है कि इन्हीं लाइंस पे जो है अपोलो टायर्स की भी कमेंट्री हो, और जिसके चलते आप देख रहे हैं कि इस स्टॉक में भी करीब 4 से 5% का उछाल देख रहे हैं। तो टायर शेयर्स में जबरदस्त रफ्तार नजर आ रही है। हमारी सहयोगी सृष्टि की ये रिसर्च आपने देखी। विवेक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमने देखा कि कारोबारी सत्र के शुरुआती घंटों के दौरान जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर 5% से अधिक यहां पर उछाल देखा गया। लगभग 21 दिनों तक कंसोलिडेटेड रहने के बाद इस तरह का उछाल नजर आया और पिछली स्विंग हाई पर ट्रेड कर रहा है। कोई खास सलाह इस पे? प्रशांत, देखिए टायर इंडस्ट्री ओवरऑल एक रेंज में अटका हुआ था बिकॉज ऑफ रबर प्राइसेस जो अब कूल डाउन हुए, जैसे सृष्टि ने मैं बताया था कि इनपुट कॉस्ट भी उधर कम हो रहे हैं। और पर्टिकुलरली आप अगर जेके टायर की बात करो तो आपने जैसे कहा बहुत लंबे समय से एक कंसोलिडेशन रेंज में था और वैल्यूएशन वाइज भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। इनफैक्ट मेरे दिमाग में एक और टायर कंपनी आ रही है, वो भी उसका भी मैं जिक्र करूंगा। तो यहाँ पे ये एक रैली ओवर ड्यू थी मेरे हिसाब से, क्योंकि जहां बाकी टायर कंपनीज चल गई थी जेके टायर वहीं अटका हुआ था और मेरे हिसाब से अपोलो टायर भी वहीं अटका हुआ है अभी भी। तो वो एक रीजन हो सकता है कि वैल्यू बाइंग पे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि स्टॉक स्पेसिफिक आपको रहना पड़ेगा और जहां जहां आपको दिखा है कि रैलीज नहीं हुआ है या फिर वैल्यूएशन अंडर लग रहा है, आपको अंडर वैल्यूएशन लग रहा है, तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेगी। एक और जो मैं टायर कंपनी दिमाग में आ रही थी वो एक है गुडियर टायर, वो काफी लंबे समय से एक ही रेंज में अटका हुआ है, तो वहां पे भी हो सकता है तब मार्केट की नजर जाए और उसमें भी एक रैली शॉर्ट टर्म में देखने को मिले, तो नजर रखनी चाहिए सब पे। तो टायर शेयरों पर नजर रखें। और इधर रेलवे से जुड़े शेयर भी काफी फोकस में है। जी हाँ, रेलवे शेयरों के लिए क्या है ट्रिगर्स, बता रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। जी, आज रेलवे शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। रेलटेल देखिए करीब 6% ऊपर है, इसके अलावा आरवीएनएल जैसे स्टॉक्स में भी 6 से 7% की तेजी है। टेक्स में कोटीटागर राइट से सभी आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। काफी सारे ट्रिगर्स हैं इसके पीछे। लगातार सरकार का जो फोकस है रेलवे पर वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते पूरा का पूरा सेक्टर फोकस में है। आने वाले 30 सालों में करीब 39 लाख करोड़ का बजट तय किया है सरकार की तरफ से, तो एक बड़े निवेश होने की बात हो रही है। 2025 तक इंडियन रेलवे 90,000 वेगन्स ऐड करेगी। इसके अलावा काफी सारे नए टेंडर्स भी इंडियन रेलवे की तरफ से आने की बात की जा रही है। 2023 तक कार्गो शेयर हाइब्रिड ट्रेन को लेकर कुछ नए टेंडर्स आएंगे, तो स्ट्रांग इनफ्लो की बात की जा रही है इंडियन रेलवे की तरफ से। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग मार्जिन है FY22 में 9.1% था, उसमें भी करीब 200 बेसिस पॉइंट के सुधार की बात की जा रही है। नए ट्रैक भी यहाँ पर बनाने की बात हो रही है। अभी फिलहाल 4 से 5 किलोमीटर प्रतिदिन का ट्रैक है, वो बढ़ाकर 12 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया जाएगा, और 2024 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जा रही है ट्रैक्स की। तो ये जो जितने सारे इंडियन रेलवे को लेकर सरकार का फोकस है और जिस तरह से एक बड़े ट्रांसफॉर्म की बात की जा रही है, उसके चलते हम देख रहे हैं ये सेक्टर लगातार फोकस में है। और बीते कुछ दिनों में जो खबरें निकल कर आ रही हैं रेलवे से जुड़ी, उसकी वजह से हम देख रहे हैं स्टॉक्स में लगातार तेजी बनी हुई है और आज भी ये स्टॉक अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो रेलवे स्टॉक्स की बात तो हो रही है, तो विपुल मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक खास शेयर रेल विकास निगम का भी अगर आप देखें, काफी बेहतरीन जो है यहाँ पर संकेत शेयर से मिल रहे हैं और पिछले एक हफ्ते में तो जबरदस्त रिटर्न दिया है। कोई खास टिप, कोई खास सलाह इस पे? विपुल, आप तक आवाज आ रही है? विपुल शायद, विपुल जी जी मेरी जी मेरी सॉरी। सो मैं कह रहा था कि रेल विकास निगम में हमने देखा है कि पिछले महीने में एक काफी जबरदस्त रैली दी है स्टॉक ने, ऑलरेडी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो यहां पर मेरी सलाह तो रहेगी इस काउंटर में कि फिलहाल फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स आप डिप्स पे करें, क्योंकि स्टॉक ने एक दमदार रैली ऑलरेडी दे चुका है। अगर हम आगे फोकस की बात करें, भले सेक्टर ले लो या स्टॉक स्पेसिफिक ले लो,
तो जैसे हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे कि जो गवर्नमेंट का प्लान है रेलवेज को अपग्रेड करने का, और जिस जिस क्वांटम का जो निवेश आने वाला है रेलवेज में अगले कुछ सालों में, तो यहाँ पर हम डेफिनेटली जो ये सारे शेयर्स लैगार्ड्स थे, अब यहाँ पर हमें तेजी दिख रही है। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, बट फिलहाल इस स्तर पे मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सलाह तो नहीं दूंगा। हुई कि फिलहाल केवल किसी गिरावट का इंतजार करें वहां पर खरीदारी की सलाह, लेकिन इन लेवल्स पे चूंकि ये लगभग दुगुना हो चुका है तो यहां पर खरीदारी की सलाह नहीं है। चले बढ़ते हैं कल बाजार के लिए क्या ट्रिगर रहेंगे। हमारी सहयोगी वामाक्षी पूरी रिपोर्ट दे रही है। पहले शुरुआत करेंगे हम ग्लोबल क्यूज के साथ। तो यूके का जो सीपीआई डेटा है वो कल आने वाला है, ईआईए क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट भी कल आने वाली है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यू है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो सफायर फूड्स और सिगाची इंडस्ट्रीज फोकस में रहेंगे। प्री आईपीओ शेयर होल्डर्स के लिए लॉक इन पीरियड कल खत्म हो रहा है। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज भी फोकस में रहेगा। एंकर्स के लिए लॉक इन पीरियड कल खत्म हो रहा है। बलरामपुर चीनी मिल्स का बायबैक ऑफर कल खुलने वाला है और धानुका एग्री टेक को खरीदने का आखिरी दिन है अगर बायबैक के लिए एलिजिबल होना है। तो हिंदुस्तान जिंक की बोर्ड मीट में होने वाली है, वो सेकंड इंटरिम डिविडेंड कंसीडर करेंगे। स्पंदना स्फूर्ति की भी बोर्ड मीट होगी, वो फंड रेजिंग कंसीडर करने वाले हैं एनसीडीज के द्वारा। और एस्कॉर्ट्स कुबोटा खास करके ये फोकस में रहेगा, उनके जो ट्रैक्टर प्राइसेस हाइक होने वाले हैं नवंबर 16 से। इसके अलावा आईपीओ मार्केट में भी काफी एक्शन है। कीस्टोन रियल्टर्स लिमिटेड लास्ट डे टू सब्सक्राइब टू आईपीओ है ये। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल का आईपीओ लिस्ट होने जा रहा है एक्सचेंजेस पर कल, और इसी के चलते ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट भी है जो फोकस में रहेंगे। तो क्रेडिट ग्रोथ पर आरबीआई गवर्नर के साथ बैंकर्स की बैठक होने वाली है कल, तो इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो वह माक्षी बता रही थी कल के अहम ट्रिगर्स। और चलिए अब दर्शकों के सवाल की ओर चलते हैं जिनके जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने सवाल पूछा है, और विवेक मैं आपसे इसका जवाब जानना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मारुति को क्या इन लेवल्स पर खरीदना सही रहेगा, क्या होगी इनके लिए सलाह? देखिए प्रशांत, मारुति काफी समय तक एक रेंज में था और एक ब्रेकआउट आके ऑलमोस्ट जो प्रीवियस हाई था उधर ट्रेड कर रहा है। अब अगर आप फंडामेंटली देखो तो एक लेट कैचअप किया था इसने ईवी स्पेस में, और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि आगे चल के मतलब जैसे ही इसकी ईवी व्हीकल्स रोल आउट होगी ये उसमें भी एक मार्केट लीडर बहुत तेजी से बन जाएगा। तो मारुति अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेते हो तो डेफिनेटली एक बाय रिकमेंडेशन रहेगी। यहाँ पे पूरा क्वांटिटी मत लो, मैं बोलूंगा कि 50% क्वांटिटी लो, और जब जब आपको कोई भी करेक्शन मिले, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि थोड़ा सा मैं कॉशियस भी हूँ, मार्केट में डिप बहुत ओवरड्यू है, तो जब जब आपको करेक्शन भी मिलता है तो इधर इसको आप लेते रहो। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब रिकवरी हो रही है और मारुति उसमें एक लीडर होना चाहिए। एम&एम को देख लो कितना मतलब तेजी से दौड़ा था, मारुति एकदम पीछे रह गया अभी तक, तो ओवरड्यू है रैली पे, ओवरड्यू है रैली, संभावनाएं यहां पर बनी हुई हैं। आपको सलाह। एक और दर्शक है, उनका सवाल है कि क्या वो सियाराम सिल्क के 10 स्टॉक अभी खरीद सकते हैं? 3 से 4 साल का उनका पर्सपेक्टिव है, और वो कह रहे हैं कि क्या एक बेहतर संभावना यहां है, अगर नहीं तो कोई और स्टॉक उन्हें रेकमेंड किया जाए। विपुल, मेरा सवाल आपसे। जी, सियाराम सिल्क जैसे इनका सवाल था, अब करेंटली जिस लेवल पे वो ट्रेड कर रहा है वहां पर कोई टेक्निकल ब्रेक फिलहाल दिखने नहीं मिल रहा है, एक रेंज में अटका हुआ है। मेरी सलाह इनको ये रहेगी कि आप कोई दूसरे स्टॉक के ऊपर निगाह रखें, वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी उठने। जैसे हमने आज कुछ स्टॉक्स शेयर करेंगे अभी हम हमारे दमदार पिक्स, तो आप उनमें आप टेक्निकल ब्रेक्स के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। और अगर रही इन्वेस्टमेंट की सलाह, जो अगर उनका लॉन्ग टर्म का होराइजन है, तो जैसे हमारे मित्र अभी बता रहे थे मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी एक ओवरऑल लीडर रहा है और रहेगा भी आगे चल के, मेरा ये मानना है। जनरली मारुति का चलन ये रहा है कि वो हमेशा पीछे से कैचअप करते हैं इंडियन कंज्यूमर्स का पल समझ के, उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करके, और उनको एज सच मार्केट कैप्चर करने में टाइम नहीं लगेगा। तो मेरी सलाह यही रहेगी मारुति की, और आप देख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव।
बिल्कुल, तो मारुति की ओर देख सकते हैं। इसके अलावा इस शो में एक खास सेगमेंट के जरिए भी कुछ स्टॉक्स की सलाह हमारे एक्सपर्ट देंगे, उन पर भी निगाह बनाए रखिए। आप ये पूरा शो आखिर तक जरूर देखिएगा। अगले दर्शक की ओर चलते हैं, इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया। सतीश धोत्रे हैं मुंबई से, और इनका सवाल है कि इन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस के जो शेयर हैं वो 5 शेयर खरीदे हैं और 4550 के भाव पे, और क्या करना चाहिए इन्हें, इसे होल्ड रखें या सेल कर दें? विपुल, मेरा सवाल आपसे। सो अडानी ये एक ऐसा काउंटर है, मतलब जब भी मैं इस स्टॉक को देखता हूं तो ये हमेशा ही ओवर स्ट्रेच वैल्यूएशन ही लगता है मुझे। ये एक ऐसा काउंटर है जहां से मैं अवॉइड करता हूँ इन काउंटर्स को, अनटिलस कोई टेक्निकल ब्रेक मिल रहा हो और हम मोमेंटम कैरी कर सकें। बट फिलहाल उनको मैं सलाह ये दूंगा कि इस लेवल्स के आसपास आप एक स्टॉप लॉस बना के चले स्टॉक में, एक 3800 का लेवल्स। अगर वो टूटता है तो आप डेफिनेटली लॉस बुक करके एग्जिट कर ले, वरना फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने की सलाह, स्टॉप लॉस 3800 का यहां पर रखें, और वो ब्रेक होता है तो आप बुक करके इससे एग्जिट कर सकते हैं। और अगले हमारे जो दर्शक हैं, रमेश मुंबई से, इन्होंने माइंडट्री के 20 शेयर खरीदे हैं 3759 के भाव पर। विवेक, क्या सलाह होगी इन्हें? प्रशांत, देखिए माइंडट्री यहाँ पे इन वैल्यूएशंस पे ठीक ठाक लग रहा है। इनफैक्ट सारे के सारे आईटी कंपनीज ओवरऑल अगर आप फंडामेंटली गुड काउंटर्स लो तो यहाँ पे आईटी में एक मतलब कैचअप रैली बोलो या फिर एक रिकवरी रैली बोलो, वो एक ओवर ड्यू है अभी। तो स्टॉक काफी ऊपर गया था, वहां से मतलब 30-35% करेक्शन हुआ, अब ये एक रिकवरी मोड में, रिजल्ट्स ठीक ठाक थे और वैल्यूएशन वाइज भी मुझे लगता है कि ये करीबन आपको 4000 रुपए तक दिखा सकता है आराम से। तो होल्ड कीजिए आईटी ओवरऑल, और जितने भी दिग्गज काउंटर्स है आईटी में उन सब पे एक ब्लैंकेट से बाई या फिर होल्ड की रिकमेंडेशन ही रहेगी, और माइंडट्री में भी सेम रिकमेंडेशन। तो माइंडट्री को होल्ड करने की सलाह रमेश जी आपके लिए, और यहाँ पर 4000 तक के जो टारगेट है वो अचीव हो सकते हैं। हमारे अगले जो दर्शक हैं उनका नाम है सौरभ मिश्रा, लखनऊ से इनका सवाल है। इन्होंने यस बैंक के 1200 शेयर्स ले रखे हैं और 15 रुपए के भाव पे। विवेक, क्या होगी इन्हें सलाह? प्रशांत, ये मतलब एक दुविधा वाला सवाल है। क्यों? क्योंकि यस बैंक आज के दिन ना स्मॉल कैप है ना मिड कैप है, एक लार्ज बैंक समझ लो आप, इसका करीबन 43,000 करोड़ मार्केट कैप है। लेकिन और बैंक अच्छा है, आज के दिन बैंक अच्छा, जो पुराना अवतार था उसको भूल जाओ, लेकिन आज के दिन जो भी यस बैंक है वो एक अच्छे हाथों में है और अच्छा मैनेजमेंट है। लेकिन स्टॉक चलेगा क्या? मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि 2021 तक जाएगा, क्योंकि मार्च 2023 में इसका एक लॉक इन जो है, 75% स्टॉक्स जो लॉक इन में है वो भी खुलेगा, तो उस वक्त थोड़ा बहुत प्रेशर देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद में कंपनी क्या करता है, मतलब मैनेजमेंट क्या डिसाइड करते हैं, बाईबैक करना है या फिर जो इक्विटी, मतलब बहुत ज्यादा इक्विटी आज के दिन, उसको रिड्यूस करना, क्या वो लोग स्टेप्स लेते हैं, उसके ऊपर स्टॉक प्राइस का डिपेंड मतलब मूवमेंट करेगा। तो फिलहाल होल्ड रहेगा और डाउनसाइड आपका लिमिटेड है, लेकिन अपसाइड कितना रहेगा ये बहुत कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि 2021 तक ये जा सकता है, 2021 के तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी बहुत बहुत पक्के से कहना मुश्किल है। और चलिए अब बारी है हमारे वीआईपी शेयर सेगमेंट की। तो हमारे दोनों खास मेहमान तैयार अपने वीआईपी शेयर्स के साथ। सबसे पहले विपुल, आपकी कौन सी है वीआईपी पिक्स? मेरा आज का पिक रहेगा एनसीसी। यहाँ पर अगर हम इस काउंटर पे देखें तो एक अच्छा टेक्निकल ब्रेक आया था विद वॉल्यूम्स, तो यहाँ पर लॉन्ग जाने की सलाह दूंगा मैं। करंट प्राइस चल रहा है 78 का, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया 65 का और टारगेट रहेगा 92 और 104। तो टारगेट 94 और 104 का, 65 का स्टॉप लॉस रखाएं। एनसीसी जो है वो सलाह विपुल जी की ओर से आती हुई। और अब विवेक, आपकी वीआईपी पिक? तो मेरे पास दो काउंटर्स है प्रशांत। देखिए पहला तो है मेरा एक डिवीज लैब, काफी बहुत मतलब भारी मात्रा में करेक्शन आया था उस स्टॉक में, और ओवरऑल फार्मा आज के दिन काफी मतलब बीटन डाउन सेक्टर है, तो यहाँ पे एक रिकवरी ओवरड्यू है। मुझे लगता है कि इन दामों में काफी चीप है स्टॉक,
और ये आपको 3500 तक दिखा सकता है। तो करीबन समझ लो 3280 का आप स्टॉप लॉस लगाओ और इसको आप बाई कर सकते हो। दूसरा स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स, ऐसे डिस्क्लोजर मेरे पास ये है और 400-500 में लिए हुए हैं। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि 1000 रुपया कब जाए, तो मतलब कल परसों हो सकता है इसी हफ्ते 930 से लेके 937 तक हम इस स्टॉक में देख पाए, पॉसिबिलिटी है। और अगर 1000 आ जाए तो मैं भी उस लेवल्स पे बेचूंगा। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स और डीवीज लैब दो वीआईपी पिक जो हैं वो नज़र आ रही हैं विवेक जी को। और ख़ास तौर पे बात करें डीवीज लैब की, तो उन्होंने 3280 का स्टॉप लॉस रखा है और 3500 तक के टारगेट यहाँ पर अचीव हो सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स में 930 से 1000 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं और यहाँ पर भी संभावनाएं दिखती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विवेक और विपुल आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए और तमाम हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और कल की तैयारी में। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, मुझे और कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।